न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक हुई जिसमें ये बड़ा फैसला लिया गया। 4 बार सांसद और 3 बार विधायक रह चुके हैं साय। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 21 फरवरी 1964 को विष्णुदेव साय का जन्म हुआ था। 2 साल तक छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के रूप में वो कमान संभाल चुके हैं। केंद्र सरकार में इस्पात और खान राज्य मंत्री भी रह चुके हैं साय। तो वही ये भी जानकारी दे दें कि संघ के करीबी नेताओं में विष्णुदेव साय की भी गिनती होती है और आलाकमान की गुड बुक्स में भी उनका नाम आता है। और इस बार विष्णुदेव साय ने कुनकुरी विधानसभा से चुनाव जीता था। अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में सदस्य भी विष्णुदेव साय हैं। तो वहीं 1990 में सरपंच के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने की थी, यानी कि सरपंच के साथ उनका जो पॉलिटिकल सफर है वो शुरू हुआ था। बेहद सरल, सहज और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं विष्णुदेव साय। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वसुंधरा राजे की। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे ने एक पोस्ट शेयर की है और इस पोस्ट में लिखा कि हर व्यक्ति का स्वाभिमान एवं आत्मसम्मान बना रहे इसके लिए मानव अधिकारों की रक्षा होना बेहद जरूरी है। राजस्थान में प्रत्येक नागरिक को खाद्य, न्याय, आर्थिक सहित हर अधिकार मिले इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विभिन्न योजनाओं का संचालन किया था। चाहे अन्नपूर्णा रसोई के तहत 8 रुपए में भरपेट भोजन प्रदान करना हो, न्याय आपके द्वार के माध्यम से गांव-गांव जाकर वर्षों पुराने मुकदमे निपटाना हो, या फिर प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से प्रेरणा लेकर राजश्री के तहत बेटी के जन्म से 12वीं कक्षा की पढ़ाई तक 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देना हो। भाजपा सरकार ने हर वो प्रयास किया जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक उन्नति का उजियारा पहुंचे और मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, वसुंधरा राजे ने पोस्ट लिखा है और इस पोस्ट में क्या कुछ लिखा वो भी हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने तमाम योजनाओं का जिक्र किया, अन्नपूर्णा रसोई का भी जिक्र किया और कहा कि अन्नपूर्णा रसोई के तहत 8 रुपए में भरपेट भोजन प्रदान करना हो या फिर न्याय आपके द्वार माध्यम से गांव-गांव जाकर वर्षों पुराने मुकदमों को सुलझाना हो, निपटाना हो, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से प्रेरणा लेकर राजश्री के तहत बेटी के जन्म से 12वीं कक्षा की पढ़ाई तक 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देनी हो। तो वही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार ने हर वो प्रयास किया जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक उन्नति का उजियारा पहुंचे और मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाए। तो बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं, वसुंधरा राजे का पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने तमाम योजनाओं का जिक्र किया और मानव अधिकारों की बात की और कहा कि हमने हमेशा मानव अधिकारों के लिए योजनाएं भी लाई हैं और हर वर्ग तक हमारी योजनाएं पहुंची और हर वर्ग को अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहने की जरूरत है। और आपको ये पोस्ट भी बता रहे हैं कि इस पोस्ट में क्या लिखा है। आपको बता दें कि एक्स पे ये पोस्ट लिखा गया पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के द्वारा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हर वो कोशिश की, हर वो प्रयास किया जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक उन्नति का उजियारा पहुंचे और मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाए। और इस पोस्ट की चर्चा भी जोरों से। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि बंडारू दत्तात्रेय के नातिन का क्यूट अंदाज। बंडारू दत्तात्रेय की नाती ने पीएम मोदी की सराहना में गीत गाया है। इस गीत में नन्ही जशोधरा ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर सराहना की। हरियाणा गवर्नर दत्तात्रेय ने एक्स हैंडल से पोस्ट किया है ये वीडियो और गीत वायरल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत प्रशंसा भी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने जशोधरा की कविता की जमकर तारीफ की, जमकर प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तो वहीं ये भी जानकारी दे दें कि इस कविता को रचनात्मक और मनमोहक बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गीत और ये गीत बहुत वायरल हो रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि बंडारू दत्तात्रेय की नातिन का ये अंदाज बहुत ज़्यादा क्यूट है और प्रधानमंत्री मोदी को भी बहुत
ये गीत पसंद आया। दरअसल जो बंडारू दत्तात्रेय की नातिन है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की और सराहना के तौर पर एक गीत गाया है। और आपको जानकारी दे दी कि ये गीत इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। इस गीत में नन्ही जशोत्रा ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। आपको बता दें कि हरियाणा गवर्नर दत्तात्रेय ने एक्स हैंडल से इस वीडियो को पोस्ट किया है और ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। और इसके वायरल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस वीडियो के इस गीत की प्रशंसा करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जशोत्रा की कविता की जमकर तारीफ की, जमकर प्रशंसा की और इस कविता को रचनात्मक और मनमोहक बताया है प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कविता बहुत ज्यादा रचनात्मक है और बहुत ही ज्यादा मनमोहक है। और चलिए एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं कि दिल्ली में होगी INDI गठबंधन की बड़ी बैठक। 19 दिसंबर को दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। INDI गठबंधन की बैठक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी फर्स्ट इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। 19 दिसंबर वो तारीख है जब INDI ये बैठक करेगा और दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। लोकसभा चुनाव में सीट में शेयरिंग पर किस तरह से चर्चा करनी है वो भी इस बैठक के अंदर चर्चा का विषय रहेगा। तो कुल मिलाकर सीट शेयरिंग पर चर्चा और आपको ये भी जानकारी दे दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ मतभेद सुलझाने की खबर भी सामने आ रही है। ऐसे में इस बैठक में शामिल हो सकते हैं अखिलेश यादव। इससे पहले अखिलेश बैठक में शामिल न होने की अटकलें लगाई जा रही थी। इससे पहले 6 दिसंबर को होने वाली गठबंधन की बैठक टल गई थी। तो INDI गठबंधन की बैठक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी 19 दिसंबर को दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर चर्चा की जा सकती है, बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है और तमाम मसलों पर इस बैठक के अंदर चर्चा होगी। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ मतभेद को कैसे सुलझाएं इस पर भी खबर सामने आ रही है। ऐसे में इस बैठक में शामिल अखिलेश यादव भी हो सकते हैं। इससे पहले की बात की जाए तो अखिलेश बैठक में शामिल नहीं होंगे ऐसी अटकलें आ रही थी, लेकिन अब इन अटकलों पे विराम लग गया है और अखिलेश यादव भी इस में शामिल हो सकते हैं ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि इससे पहले 6 दिसंबर को होने वाली गठबंधन की बैठक टल गई थी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी अमित शाह की गुड गवर्नेंस, आज जो छत्तीसगढ़ में दिखी गुड गवर्नेंस। आपको बता दें कि विधायक दल ने एक झटके में तय किया नए मुख्यमंत्री का नाम। इसके साथ ही तय हुए दोनों उप मुख्यमंत्रियों के नाम। डॉक्टर रमन सिंह को भी स्पीकर बनाने की तत्काल घोषणा कर दी गई। छत्तीसगढ़ से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल की भी मुलाकात हो सकती है। इसे कहते हैं डिसिसिव एंड गुड गवर्नेंस। तो बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रही है क्योंकि कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की गुड गवर्नेंस देखने को मिल रही है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज छत्तीसगढ़ से तस्वीरें देखी होगी कि किस तरह से एक ही झटके के अंदर विधायक दल ने मुख्यमंत्री का जो नाम है उसमें हामी भर दी। कुल मिलाकर विधायक दल ने एक बार में मुख्यमंत्री के नाम पर हामी भरी है और इसके साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्रियों के नाम भी तय हुए हैं। डॉक्टर रमन सिंह को भी स्पीकर बनाने की तत्काल घोषणा हुई। मुख्यमंत्री और राज्यपाल की भी मुलाकात हो सकती है ये भी जानकारी सामने आ रही है। और इस पूरे प्रोसेस को जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही है इसे कहते हैं डिसिसिव एंड गुड गवर्नेंस। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सेवा करने का मौका मिला है, विश्वास जताने के लिए भारतीय जनता पार्टी का आभार। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आलाकमान का आभार व्यक्त किया प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने मुझ पर भरोसा जताया, छोटे से कार्यकर्ता पर भरोसा जताया, मोदी की गारंटी को पूरा करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि विष्णुदेव साय का जो नाम सामने आ चुका है छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में। और इसके बाद साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सेवा करने का मौका मिला और विश्वास जताने के लिए भारतीय जनता पार्टी का आभार उन्होंने व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी, शाह, नड्डा ने मुझ पर भरोसा जताया, छोटे से कार्यकर्ता पर भरोसा जताया, मोदी की गारंटी को पूरा करेंगे।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे मेहंदीपुर बालाजी धाम, सपत्नीक विशेष पूजा अर्चना के साथ हनुमान चालीसा का पाठ। बड़ी जानकारी आपको दे रहे मंदिर ट्रस्ट सचिव एम के माथुर ने की केंद्रीय मंत्री गोयल की अगवानी और बालाजी महाराज की मोदक प्रसादी और तस्वीर भेंट कर स्वागत किया गया। और आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल, ऐसे में उनका स्वागत भी किया गया क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचे, पूजा अर्चना की गई, सपत्नीक विशेष पूजा अर्चना के साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ। और मंदिर ट्रस्ट सचिव एम के माथुर ने केंद्रीय मंत्री गोयल की अगवानी में बालाजी महाराज की मोदक प्रसादी और तस्वीर भेंट कर उनका जमकर स्वागत किया। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहा है क्योंकि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, जहां पर विशेष पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई। सुखदेव सिंह गोकामेडी हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा, खुलासे को लेकर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस खुलासे को लेकर और पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ईडीजी क्राइम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, बदमाशों को पकड़ना हमारे लिए बड़ा चैलेंज था, ये भी कहा गया कि बदमाशों को पकड़ना बहुत बड़ी चुनौती थी, हमारी सभी टीमें बदमाशों को पकड़ने में जुट गई। बदमाशों को लेकर SIT को अहम सूचना मिली थी। तो देखिए SIT राजस्थान और दिल्ली पुलिस ने ये संयुक्त कार्रवाई की थी और ऐसे में यहाँ पर जानकारी दी गई कि बदमाशों को लेकर SIT को अहम सूचना मिली थी। तकनीक और CCTV फुटेज के आधार पर जानकारी जुटाई गई। हरियाणा और पंजाब पुलिस का भी अहम योगदान रहा। हथियार उपलब्ध कराने वाले मॉड्यूल को भी क्रैक किया गया। लोकेशन के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अभी वारदात के मास्टरमाइंड को पकड़ना बाकी है। हत्या का मोटिव अभी तक सामने नहीं आया क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जानकारी सामने आई और आपको बता दें कि बदमाशों को पकड़ना बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए, ये भी कहा गया। और आगे बताया गया कि हमारी सभी टीमें बदमाशों को पकड़ने में जुट गई। बदमाशों को लेकर SIT को अहम सूचना मिली थी। तकनीक और CCTV फुटेज के आधार पर जानकारियों को जुटाया गया। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि हरियाणा और पंजाब पुलिस का इस पूरी कार्रवाई में अहम योगदान रहा। जैसे कि आपको मालूम भी होगा कि चंडीगढ़ से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इसमें पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस ने भी अहम किरदार इस कार्रवाई में निभाया। तो वहीं हथियार उपलब्ध कराने वाले मॉड्यूल को भी क्रैक किया गया था। लोकेशन के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अभी वारदात की जो मास्टरमाइंड है उसे पकड़ना बाकी है। हत्या का मोटिव, क्यों की गई हत्या, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक को लेकर लेटेस्ट अपडेट। जयपुर में अब मंगलवार को हो सकती है भाजपा विधायक दल की बैठक। आपको बता दें कि अभी तक नहीं पहुंचा किसी विधायक के पास बैठक को लेकर फोन, यानी कि संदेश अभी तक विधायक के पास पहुंचा नहीं है। उधर राजनाथ समेत तीनों पर्यवेक्षक मंगलवार को जयपुर आ सकते हैं। तो ये भी जानकारी आपको दे दें कि अब मंगलवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है क्योंकि अभी तक किसी भी विधायक के पास संदेश नहीं पहुंचा है, कोई भी कॉल अभी तक आया नहीं है। उधर राजनाथ सिंह सहित तीनों पर्यवेक्षक मंगलवार को जयपुर आ सकती है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की विधायक दल से बैठक से जुड़ी हुई आपको दे रहा है। महाराष्ट्र में मजबूत नेता के रूप में उभरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। आपको बता दें कि मराठा आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन अपने पक्ष में करने में सफल, और वहीं शिंदे के प्रयासों से मनोज जारांगी पाटिल को वापस लेना पड़ा आंदोलन। बड़ी जानकारी मराठा आंदोलन से जुड़ी हुई आपको दे रहा है। और आपको बता दें कि मराठाओं को कुनबी के तौर OBC में शामिल करने की मांग उठी थी। कुनबी सहित अन्य OBC जातियों ने शुरू किया मांग का विरोध और विवाद हल करने में दोनों उप मुख्यमंत्रियों की कोई भूमिका नहीं रही। ऐसे में मराठाओं के प्रमुख नेता के रूप में उभरे हैं एकनाथ शिंदे। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि मराठाओं और OBC के बीच संतुलन बनाना शिंदे के सामने बड़ी चुनौती थी, बड़ा चैलेंज यहां पर था। लेकिन यह चैलेंज कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद भी साबित हुआ क्योंकि कुनबी सहित अन्य OBC जातियों ने शुरू किया था मांग का विरोध, और ऐसे में विवाद हल करने में दोनों उप मुख्यमंत्री की कोई खास भूमिका नजर नहीं आई, या यूं कहें जो दोनों उप मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी थी वो बखूबी तरह से निभाई नहीं गई। ऐसे में मराठाओं के जो प्रमुख नेता है एकनाथ शिंदे, वो मराठाओं के बीच में उभरते हुए नजर आए, प्रमुख नेता के रूप में वो उभरे, और ऐसे में मराठा और OBC के बीच संतुलन बनाना शिंदे के सामने बड़ी चुनौती। पोलियो डोज से छूटे बच्चों के लिए घर घर दस्तक, उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का आगाज। आपको बता दें कि इस अभियान का आगाज हो चुका है। चिकित्सा विभाग के
पीडी डॉक्टर रघुराज सिंह ने इसकी जानकारी दी। तो वहीं रविवार को जो बच्चे दवा पिलाने से वंचित रह गए हैं उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। अगले 2 दिन ग्रामीण और 3 दिन शहरी क्षेत्र में मोबाइल टीमें करेंगी भ्रमण और ये टीमें घर घर जाकर खुराक से वंचित नैनीहालों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। जो कि बच्चे हैं जो रविवार को इस दवा को लेने से वंचित रह गए उनके लिए तमाम तरह की व्यवस्था की जाएगी और घर घर जाकर टीम भी दवा है वो पिलाएगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहा है क्योंकि अलग से व्यवस्था भी की जाएगी। और अगले 2 दिन की बात करें तो अगले 2 दिन ग्रामीण और 3 दिन शहरी क्षेत्र में मोबाइल टीम भ्रमण करेगी और इस भ्रमण के दौरान पूरी जानकारी भी ली जाएगी और टीम घर घर जाकर खुराक से वंचित नैनीहालों को पोलियो की दवा पिलाएगी। तो बड़ी जानकारी पोलियो की दवा से जुड़ी हुई आपको दे रहा है। पोलियो मुक्त भारत लेकिन एहतियातन अभियान है जरूरी। देश में 2011 में बंगाल में पाया गया अंतिम पोलियो रोगी। आपको बता दें कि लगातार 3 साल की मॉनिटरिंग के बाद भारत 2014 में पोलियो मुक्त देश घोषित हुआ। राजस्थान में अंतिम बार 2009 में भरतपुर में 2 और दौसा में 1 केस चिन्हित किया गया था। लेकिन एहतियातन हर साल बड़े स्तर पर अभियान चलाकर बच्चों को दवा पिलाई जाती है क्योंकि पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो के मामले सामने आ रहे हैं जो कि उन देशों के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में एहतियातन देश भर में हर साल चलाया जाता है और पोलियो मुक्त भारत कैंपेन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है क्योंकि देखिए जैसे हम देख रहे हैं पड़ोसी मुल्क है उनमें अभी भी केस सामने आ रहे हैं लेकिन भारत अब पोलियो मुक्त हो चुका है। 2014 के बाद इसकी घोषणा कर दी गई थी और एहतियातन के तौर पर हर साल बड़े स्तर पर यह अभियान चलाया जा रहा है और बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जल्द होगा मंत्रिमंडल फेरबदल। बड़ी जानकारी आपको दे दें यूपी से क्योंकि मंत्रिमंडल फेरबदल होगा जल्द ही। सीएम योगी दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ नामों पर चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल फेरबदल होगा ऐसे में नामों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे। ओपी राजभर का योगी मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि ओबीसी नेता दारा सिंह को जगह मिलती है या फिर नहीं क्योंकि ये भी बड़ा सवाल है कि दारा सिंह को जगह मिलेगी या नहीं क्योंकि कुछ महीने पहले दारा सिंह को घोसी उपचुनाव में करना पड़ा था हार का सामना। ऐसे में मंत्रिमंडल फेरबदल दारा सिंह के लिए कितना फायदेमंद होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन आपको ये बता दें कि ओपी राजभर का योगी मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन दारा सिंह की बात की जाए तो उनको लेकर अभी भी स्थिति साफ नजर नहीं आ रही क्योंकि कुछ महीने पहले दारा सिंह को घोसी उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में स्थिति अभी तक दारा सिंह को लेकर साफ नहीं है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से मिला साफ संकेत। हिंदी भाषी राज्यों में तेजी से सिमटती जा रही है कांग्रेस। राजस्थान छत्तीसगढ़ में सरकार गवाई। मध्य प्रदेश में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। हिंदी भाषी राज्यों में बिहार छत्तीसगढ़ दिल्ली हरियाणा मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश झारखंड राजस्थान उत्तर प्रदेश उत्तराखंड शामिल है। इन 10 हिंदी भाषी राज्यों में से 6 में भाजपा की सरकार और हिंदी भाषी राज्यों में अब सिर्फ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति लगातार गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में कांग्रेस के अंग्रेजी बोलने वाले नेताओं की संख्या ज्यादा है। अंग्रेजी बोलने वालों का हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों से जुड़ाव नजर नहीं आता। भाजपा में नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं की भाषा में कोई अंतर नहीं है। ऐसे में हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस पार्टी लगातार सवरती हुई नजर आ रही है। चाहे बात राजस्थान की हो चाहे बात छत्तीसगढ़ की हो चाहे बात मध्य प्रदेश की हो क्योंकि राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गई लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है अंग्रेजी बोलते हुए नजर आते हैं। ऐसे में हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।